लॉकडाउन के बाद बढ़े हुए बिजली के बिलों और विजेंद्र तारे की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा विद्युत केंद्रों पर समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसी के अंतर्गत राज मोहल्ला जोन के विद्युत केंद्र पर मंगलवार को जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। यहां लोगों का कहना था कि उनके बिलों की राशि इस बार 2 से 2.5 गुना तक आई है, जहां वह बिल नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में वह शिविर में पहुंचे तो किसी को हल्की फुल्की राहत दी गई तो कहीं लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं। वहीं शिविर में लोगों की समस्याएं सुन रहे अधिकारी का कहना है कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के मुताबिक विद्युत बिलों की राशि में शर्तों पर उनका बिल कम किया जा रहा है। 400 से अधिक बिल वालों को किसी तरह की राहत नहीं दी जा रही है। आज आप शिविर में अपना बिल लेके आए हैं तो क्या समस्या आपकी? समस्या थी सर, पहले बिल आते थे 700-800 रुपए का, वो सीधे 2.5 गुना कर दिए। कितना बिल आया इस बार आपका? इस बार आया सर 327-328 का बिल, मार्च में आया था। पहले उसके पहले 1200-800, फिर मार्च का लॉकडाउन हुआ उसके बाद फिर मैंने भर दिया था एक बिल, तो उसके बाद जो एक बिल था वो नहीं भर पाया था। शिविर की जानकारी कहाँ से लगी आपको? शिविर की जानकारी सर यही थी, अभी सामने ही रहते हम यहाँ। क्या कहा यहाँ पर? कहा नहीं, बोले आप जाइए निराकरण कुछ होएगा वहाँ। नहीं, आप यहाँ आए बिल लेकर, उसके बाद क्या कहा यहाँ पर आपको? यहाँ कुछ नहीं कहा, भरना पड़ेगा बिल आप, यानी कि शिविर का आने का कोई वो नहीं रहा। भरना पड़ेगा, प्लस बोले आपके यूनिट ज़्यादा जल रहे हैं, जबकि यूनिट हुई नहीं है। बोले यूनिट ज़्यादा जल रहे हैं आपके, तो भरना पड़ेगा बिल। 2.5 गुना अधिक बिल भरना पड़ रहा है कहने का मतलब? हाँ। इसके पहले कभी भविष्य में ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ, यानी कि सरकार दोषी है? सरकार दोषी है ही साहब, बिल्कुल है। बिल बढ़ रहा है तो कह रही कम होंगे बिल, क्या करेंगे फिर आप? अभी क्या करेंगे सर, अब भरना तो पड़ेगा बिल। शिविर लगाए, किस तरह का शिविर और किस तरह से लोगों की समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? आज का जो शिविर आयोजन किया गया है, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब का जो योजना है, कोविड-19 जो योजना चली है बिजली के बिलों में जो राहत देने के लिए, उसके तारतम्य में आज शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि जो बिजली की बढ़ी हुई बिल आए हैं अप्रैल के बाद, मई जून और जुलाई, अप्रैल मई और जून ये 3 महीने का जो बिल है, वो मार्च के बिल के आधार पर उसकी जो है समीक्षा की जा रही है। यदि किसी उपभोक्ता का मार्च का बिल अधिकतम 400 तक है, तो आने वाला 3 माह का बिल उसका आधा किया जा रहा है घरेलू उपभोक्ताओं का, और 400 से अधिक है उस उपभोक्ताओं को बिल में किसी तरह की जो छूट का प्रावधान नहीं किया गया है। किस्त का लाभ दिया जा रहा है, किस्त अनुसार उपभोक्ता चाहे तो किस्त के अनुसार अपनी जो आर्थिक स्थिति के अनुसार उसमें बिल की छूट के प्रावधान दी जा रही है। सर, अभी एक उपभोक्ता अभी हमें बाहर मिले, उन्होंने कहा कि सिस्टम की खराबी के कारण उनका बिल हमेशा बढ़ा हुआ आ रहा है, 3 महीने से वो हमें बार बार आना पड़ता है, अपडेट करवाना पड़ता है। फिर मैं अपना बिल लेकर आया हूँ, मैं अपना बिल लेकर के आया हूँ सर यहाँ पर। मैं एक मध्यम वर्ग की परिवार का आदमी हूँ, और यहाँ पर जब मेरा 3-4 महीने का बिल 8,000 रुपये करीब आया है, जबकि हमारा बिल हमेशा 1,000 रुपये 800 रुपये करीब बिल आता था, अब कि हमारे को 3 महीने का करीब 8,000 रुपये इन लोगों ने भेज दिया। अब 8,000 ये बताते हैं, बोले आपका रीडिंग इतना हुआ है, रीडिंग जबकि मीटर में क्या प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम कोई देखता नहीं है। हमारा बिल आता नहीं, अभी सबसे ज़्यादा बिल आने लग गया हमारा। दूसरी बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि सबको इसमें सहायता दी जाएगी, तो ये सहायता सिर्फ क्या 400 रुपये और 100 रुपये वाले बिल वालों के लिए? जो ज़्यादा बिल भरते हैं उनके लिए कोई सहायता नहीं है। आज हमारा 400 रुपये से अगर ऊपर का बिल आ गया है तो उसमें हमारी सहायता सब कट चुकी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हम सबसे ज़्यादा बिल भरते हैं, हम लोगों के लिए क्या सहायता मुख्यमंत्री की तरफ से? कोई सहायता नहीं हम लोगों के लिए। तो करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उनको ये जो लोग ज़्यादा बिल भरते हैं उनके लिए भी कोई सुविधा होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि जो 100 रुपये की बिजली जलाते हैं, जो 100 रुपये की बिजली जलाते हैं, कई लोग अपने यहाँ फैक्ट्री चला रहे हैं 100 रुपये की बिजली जला के भी, तो इस तरह से क्यों हो रहा है? जो ईमानदारी से मध्यम वर्गीय परिवार का जो बिल भराता है, वो मध्यम वर्गीय परिवार वाला ही सबसे ज़्यादा बिल भरता है, सबसे ज़्यादा परेशान है आज की तारीख में। मैं भजन गायक हूँ, वीरेंद्र होलकर नाम है मेरा। नहीं, पिछली जो कांग्रेस सरकार है और अब भाजपा सरकार है, 15 महीनों के कार्यकाल और अब में क्या लगता है आपको? देखिए, 15 महीने का जो कार्यकाल था, अब कमलनाथ जी ने जो भी बिजली के लिए जो करा था वो अच्छा काम किया था, लेकिन अभी जो है वापस से जो शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी हमारे जो है वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि गरीब वर्गों को उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हम जैसे हम अपना बता रहे हैं कोई सपोर्ट नहीं है। आपका परिचय? मैं वीरेंद्र होलकर, भजन गायक, इंदौर। का बिल कम करवाने के लिए यहाँ आना पड़ा आपको?
नहीं, मेरा बिल एक्चुअल में पिछला बिल जो था वो अपडेशन नहीं था, तो उसको मैंने अपडेट करवाया, उनके सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था तो वो सिस्टम में अपडेट करवाया, तो उस कारण मेरा बिल जो था वो माइनस में आ गया। बिल भर के बिल भर चुका था मैं, वो कहते ना पिछला क्या मानते हैं, यदि आप भर देते तो ये बिल तो क्या होता है? ये तो आप आए, आपकी बुद्धि वाला काम था कि आप आ गए यहाँ पर, यदि भर देते तो क्या होता है? भर देते तो फिर तो भगवान ही मालिक क्या होता है वो, अब अगर अपडेट हो जाता और कभी अगले बिल में माइनस हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता तो वो तो पैसे भरा गए थे। इसे दोषी मानेंगे आप इस बात के लिए? ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, दोषी क्या मानेंगे? अगर स्टाफ अपडेट रहे, सब चीज़ अपडेट रहे, अगर पुराना, अगर अभी जैसे मेरे साथ मिस्टेक हुई वो नहीं हुए तो बहुत सारों का पैसा बच जाएगा, और लोगों को जो जिनके पास टाइम नहीं होता, टाइम निकाल के आ नहीं पाते, देख नहीं पाते और भर नहीं पाते, उनके तो पैसे लग सकते हैं। कितना ज़्यादा बिल आया था आपका? मेरा 2 महीने से 9500 का क्रेडिट जो ड्यू था वो अपडेट नहीं हो रहा था, इस महीने भी वही प्रॉब्लम हुई कि 9500 का उन्होंने वर्जन डाला, फिर वो जब यहाँ पे आता हूँ तो 2 मिनट लगते हैं वो ठीक कर देते हैं, और जो चेंज होता है यहाँ का स्टाफ वैसे कोऑपरेटिव है, कि आपको खुद अपने मैनुअली आना पड़ता है, मैनुअली आना पड़ रहा है, वो अपडेट इनका सिस्टम बोल रहे हैं कि अभी नया सॉफ्टवेयर डाला तो अपडेशन पे जा रहा है, अगर वो अपडेट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 महीने से आ रही है, इसके पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका परिचय? सनील सेठी। हमारे जोन पे एक्चुअली स्मार्ट मीटर का जोन है, यहाँ पे रीडिंग की समस्या आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मीटर की रीडिंग आती है वो कम्युनिकेशन ऑनलाइन के माध्यम से रीडिंग दी जाती है, और प्रति मिनट के पास हमारे पास डाटा है, सर्वर में डाटा लोड रहता है, यदि किसी भी उपभोक्ता को ऐसी शिकायत है तो हम उसका हर पल हर मिनट की डाटा अभी कंप्यूटर पर चेक करवा सकते हैं, यदि फिर भी यदि रीडिंग में कोई समस्या है तो आवेदन करें, उसका निराकरण कर दीजिए। सर, अभी भरे हुए बिल आए हैं अधिकतर लोगों के, तो क्या शिविर का उद्देश्य वो बिलों को लेकर ये या और भी अन्य समस्याओं को लेकर? बढ़े हुए बिलों की जो समस्या, जो अभी सुबह से लगाने के बाद यहाँ पे हमारे उपभोक्ताओं की रीडिंग के अनुसार ही बिल आए हैं, चूँकि मेरा जोन स्मार्ट का है, इसके उपरांत भी यदि किसी के मीटर बंद खराब हो गए हैं और उसकी यदि अधिक राशि का बिल दिया गया है तो उसको जाँच उपरांत उसके संयोजित भार और विगत माह के बिल के अनुसार उसको सुधार करके दिया जा रहा है। हाँ, सर, शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याएं हल करना है या राजस्व में भी किसी तरह से अमाउंट को वसूलना भी है इसमें? अभी तो शासन का और हमारा जो निर्देश है इसमें लोगों की समस्याओं का निराकरण करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अभी कनेक्शन का जो डिस्कनेक्शन भी नहीं चल रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शिविर के माध्यम से राहत दी जाए। आपका परिचय? भास्कर घोष, कनिष्ठ जयंती, राजमोल। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।